फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ अहसान और आप देख रहे हैं अहसान टीवी। तो फ्रेंड्स थैंक यू क्या है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, इसका शुक्रिया। और फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज की वीडियो का लड़ा पूरी पता चला होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर है। तो फ्रेंड्स बिना वक्त जाए कि वीडियो को शुरू करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स वीडियो जो थी उस पर मैंने बनाई है कि जो 5 एनिमल्स हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जैसे हमारे पास नंबर 5 पाते हैं लायंस एंड हाइनास। लायंस एंड हाइनास, लायंस का मतलब तो पता हुआ, लायंस शेरों को कहते हैं, शेर्स, और हाइनास कहते हैं लगड़ बग्गों को जो ज़्यादातर जंगल में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में नहीं होते हो, तो वो वाइल्ड एनिमल्स में शुमार होता है हाइनास भी। तो हाइनास जो होते हैं वो ज़्यादातर डियर्स का शिकार करते हैं, और लायंस जो होते हैं वो जो है वो भी जो है डियर्स, बफेलो और भी बहुत सारे हर जानवर का शिकार कर सकते हैं, जैसे और भी बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर सकते हैं लायंस। तो लायंस में ज़्यादा पावर होती है और हाइनास हमेशा लायन से हारते हैं। तो हाइनास लायन पे अटैक ज़रूर करते हैं लेकिन रात के वक्त, और हाइनास और लायंस की बिल्कुल भी नहीं बनती। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पे आती है शार्क एंड डॉल्फिन। नंबर 4 पे शार्क और डॉल्फिन आते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि डॉल्फिन और शार्क का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, शार्क डॉल्फिन से जीत जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि डॉल्फिन जो होती है वो शार्क से ज़्यादा पावरफुल होती है, और डॉल्फिन जो है शार्क को बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेज़ी से हरा सकती है, क्योंकि डॉल्फिन की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और शार्क की मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होती है। और डॉल्फिन के जो डॉल्फिन का जो फेस होता है उसके आगे जो निडल होती है ना, वो उसका जो माउथ होता है तो उससे वो उस पर शार्क पर अटैक करती है पीछे से, ताकि और शार्क की जो है बॉडी जो है ना उससे स्किन शार्क की डैमेज हो जाती है। और ज़्यादातर डॉल्फिन अपनी टेल से शार्क पे हमला करती हैं, क्योंकि डॉल्फिन की टेल बहुत मजबूत है, और जो है शार्क डॉल्फिन से डरती है, और शार्क अपने आप को सी समंदर का सबसे खतरनाक फिशेज में से शार्क एक है, एनिमल में से शार्क सबसे एक है। तो लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि शार्क डॉल्फिन से हारती है। और फ्रेंड्स अब नंबर 3 पे आते हैं हम कैट्स और माउस के बीच। कैट्स और माउस का तो आपको पता है कि जब कैट्स माउस को देखती हैं तो उनके पीछे भागती हैं, और माउस उनसे कैट से हारता है, और जो कैट होती हैं वो माउस को खा जाती हैं। तो आपने ज़्यादा बहुत दफ़ा रोड्स पे छोटी गलियों में, और ज़्यादातर अपने घर पे अगर आपके कोई कैट है फालतू और आपके घर पे कोई माउस घुसे तो एग्जांपल, तो कैट जो उस पर अटैक कर देती है और फौरन उसको ख़त्म कर देती है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पे आते हैं हिप्पोपोटामस और क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल और हिप्पोपोटामस आते हैं नंबर 2 पे, और जो है क्रोकोडाइल और हिप्पोपोटामस जो है, क्रोकोडाइल वैसे तो बहुत खतरनाक है लेकिन हिप्पोपोटामस जो है क्रोकोडाइल जीत सकता है, क्योंकि हिप्पोपोटामस के अंदर जो है पावर होती है वो तेज़ भाग सकता है, लेकिन क्रोकोडाइल ज़मीन पे तेज़ रन नहीं कर सकता। हिप्पोपोटामस जो होता है वो उसकी स्पीड थोड़ी तेज़ होती है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है, और सिर्फ और क्रोकोडाइल सिर्फ 7 या 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है, वो भागने तो नहीं आएंगे, उसको चलना ही आएंगे। तो ऐसे फिर उसमें से हिप्पोपोटामस से यहाँ तक कि क्रोकोडाइल हिप्पोपोटामस के बच्चे तक से डरते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पे आते हैं कैट्स और डॉग, यानी कि कुत्ता और बिल्ली। तो उसमें जो है कैट्स और डॉग में आपने बहुत सी, आपके घर के बाहर भी बहुत से डॉग्स आते होंगे ज़्यादातर, और कैट्स भी होंगी, तो उनमें से ज़्यादातर कैट्स और डॉग की आपने ऐसी बहुत सी स्टोरीज भी हैं कैट्स और डॉग पर, जैसे आपने सुनी होगी टॉम एंड जेरी में था, वो टॉम कैट था और उसका एक और डॉगी भी था और एक जेरी भी थी माउस, तो उसकी एक चोरी बनी थी, तो उसमें डॉगी टॉम को मारता था और टॉम जेरी को मारता था। तो आपने स्टोरी बच्चे शौक से देखते थे कार्टून। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स ऐसी हमारी वीडियो देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।